बाबा रामदेव अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। रामदेव कब कहाँ क्या बोल दें और उसके बाद किस तरीके का विवाद खड़ा हो जाए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रामदेव ने एलोपैथी को निशाने पर लिया हो। इससे पहले भी बाबा एलोपैथिक डॉक्टरों और राजनीतिक पार्टियों से लेकर अमूमन कई मामलों में विवादित बयान देते ही रहते हैं और अक्सर विवादों में बने रहते हैं। आजकल बाबा रामदेव का एलोपैथी को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। यही नहीं, बाबा रामदेव ने यहाँ तक कह डाला कि एलोपैथी दवाइयाँ लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवर मार्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है, जितनी भी दवाएं दे रहे हैं। फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। एलोपैथी पर बाबा रामदेव के बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के बयान की कड़ी आलोचना की और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोई कार्रवाई ना करने को लेकर निशाना भी साधा। इस मुद्दे पर आज तक पर डिबेट भी हुई, जिसमें डॉक्टर और रामदेव आमने सामने आए। अब भी देखिए डिबेट। ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा नंबर वन। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है, ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है, क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से, हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर वन। अच्छा नंबर टू, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले दो थप्पड़ मारने का फिर कुछ भी, इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात हम की करो ना, अब जो हम इस बयान के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, गोल्डन मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसके बाद में कोरोना से आपको ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए, ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। एलोपैथी पर बयान के बाद बाबा रामदेव की सोशल मीडिया पर आलोचना होने शुरू हो गई। ट्विटर पर लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। एक ट्विटर यूजर ने आचार्य बालकृष्ण की फोटो शेयर कर लिखा, रामदेव मस्ट टेल दिस टू हिज राइट हैंड बालकृष्ण हु वाज एडमिटेड इन एम्स ऋषिकेश इन अगस्त 2019, नोट नो गौमूत्र फुल एलोपैथी ट्रीटमेंट। एक ट्विटर यूजर ने एलिवेटर की तस्वीर शेयर कर लिखा, If we don't stop Ramdev, we might end up in this Patanjali elevator. खैर, बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बयानों के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में आए और उन्होंने बाबा रामदेव को एक खत लिखकर माफी मांगने को कहा, जिसको उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद बाबा रामदेव ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी और बयान को वापस ले लिया, जिसकी स्वास्थ्य मंत्री ने काफी सराहना की। लेकिन बाबा रामदेव का एलोपैथी को निशाने पर लेने का मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। एक योग शिविर में रामदेव ने एक युवक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए डॉक्टर को टर टर कहते हुए तंज कसा। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है।
विदाउट एनी डिग्री विद डिविनिटी विद डिग्निटी आई एम ए डॉक्टर। इससे पहले भी बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बताकर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। बाबा रामदेव तब और विवादों में घिर गए जब अपनी लॉन्च करने वाली दवा को उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अप्रूव बताया और बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनके इस बयान का पूरे तरीके से खंडन कर दिया। खास बात यह रही कि इस दवाई की लॉन्चिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य मंत्री और बड़े अहोदेदार शामिल थे। कोरोनल को रामदेव ने कोरोना के लिए सूक्ष्म भी बताया था और इसके परिणाम भी दिए थे। जब हमने कोरोनिल श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में हो सकता है और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं, वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। प्राचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने ये कभी भी दावा नहीं किया कि कोरोनिल कोरोना वायरस से लड़ने में सूक्ष्म है। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले योग गुरु रामदेव ने इंडिया टुडे चैनल पर रजत शर्मा के शो में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 40 रुपए पेट्रोल मिलने का दावा किया था। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? बहुत अच्छा लगेगा। बाद में जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए और पेट्रोल के भाव तेजी से ऊपर जाने लगे तो योग गुरु रामदेव मोदी का बचाव करते नजर आए। अरे महंगाई की मार में हम डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर नहीं सकते क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। हमारे जो कब्जे में है उसमें हम लोगों को जो कर सकते हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई? बचा लिया मोदी जी को। ये तो हम सब जानते ही हैं कि विवादों से रामदेव का पुराना नाता है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कितना लंबा चलेगा और कब खत्म होगा, क्योंकि रामदेव के इस बयान के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।